आज के हमारे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट। हालांकि गोपाल जी को एक प्रोजेक्ट मैंने एज ए वीडियो दिया था, फिर भी मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई माइक्रो बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉब्लम को समझना है। तो कहते हैं ना सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या? यस सर। तो यस सर, हमें पहले अपनी आवश्यकता को समझनी है। तो आवश्यकता हमारा ये है कि बेसिकली मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहां पे मेरा डेटा वगैरह सारा जाता है। मान लीजिए एक वेबसाइट है या कोई भी एक कंपनी है, उसका जो डेटाबेस है एक सॉफ्टवेयर। अब प्रॉब्लम है कि उस डेटाबेस से हम कोई डेटा को डाउनलोड नहीं कर सकते। डेटा निकल सकता है, स्ट्रैक हो सकता है, बट जैसे क्लिक करते हैं और डाउनलोड हो जाता है। जैसे मेल पे जाते हैं फाइल डाउनलोड करते हैं, या कहीं भी जाते हैं वेबसाइट पे फाइल डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड हो जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो डाउनलोड नहीं हो सकता। वो बेसिकली एक्सेल फाइल को ओपन करके उसके अंदर वो डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है, समझे? तो मुझे डाउनलोड करने से पहले एक फाइल उसको बतानी होती है कि हाँ ये फाइल है, इस फाइल में जाके तुम डेटा कॉपी पेस्ट कर दो। ओके सर, अब यही पे प्रॉब्लम होती है कि मुझे हर दिन फाइल बनाने होते हैं। तो मैं एक ड्राइव चुनता हूँ, जैसे कि मैंने ड्राइव 2000 यहाँ पे एफ के अंदर मैंने 2022 फोल्डर है, दिख रहा है तो सर? पर 2022 के अंदर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो एक मिनट, ई ड्राइव लेते हैं। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास 2022 का फोल्डर है, राइट? दिख रहा है? तो अब ये जो हमारा 2022 का फोल्डर है, इसको हम रिनेम कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पे 222 कर देते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, एक माइक्रो बनाना है। माइक्रो क्या करे, सबसे पहले तो मेरे ई ड्राइव के अंदर जाएं और इस साल का 2022 का फोल्डर चेक करें। अगर 2022 का फोल्डर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो एक नई फोल्डर क्रिएट कर दे और यहाँ पे 2022 टाइप कर दे। फिर 2022 फोल्डर को ओपन करे और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाए और चेक करे यहाँ पे 6। अगर जून का फोल्डर बना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे वो जून का फोल्डर बनाया, राइट? और फिर वापस जून के फोल्डर को खोले और आज का डेट 22 है और तो 22 का फोल्डर, देखिए फोल्डर अगर बना हुआ है तो नहीं बनाना है, नहीं तो बनाना है। और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम आज की डेट 22 या जो भी डेट देना है दे देना है। तो पहले 2022 का फोल्डर बनाना है या नहीं है तो ओपन करना, बना हुआ है तो ओपन करना है। फिर 2006 का फोल्डर बनाना है, नहीं है, बना है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है और उसके अंदर 22 उसके अंदर डेटा डालना है। और जब मैं रन करूं हर दिन तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, समझ गया? हमारा बात को आपने पूरा नहीं सुना। हमने बोला जो फोल्डर बना है तो ठीक है, उसको ओपन करे, बनाए नहीं, नहीं बना है तो बनाए, ठीक है? मतलब कि हम हर दिन माइक्रो को रन करेंगे तो मेरा फोल्डर बनता जाएगा और मेरा जो डेटा है वो कैलेंडर के हिसाब से अरेंज होता रह जाएगा। और मुझे मान लो कोई डेटा खोजना है, मान लीजिए मुझे मार्च के 23 तारीख का डेटा खोलना है। यस सर। एक बार हमें पता है कि 2022 फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर के अंदर 22 माने कि 22 तारीख के अंदर फाइल होगा, सिंपल से पता है हमें बात। अरेंज हो जाएगा ना मंथ वाइज, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी हम इसको यूज करें तो हमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। यस सर, समझ गए? यस सर। ओके, यस सर, गॉट इट। तो आगे बढ़े। यस सर।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो देते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे प्रो अंडरस्कोर वन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ सबसे पहले तो हमें डेट पता नहीं है, तो इसके लिए हम वापस एक्सेल पे आते हैं। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हमारा एक मिनट में स्क्रीन कहाँ चला गया। एक्सेल के अंदर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, टुडे का टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, और मेरे पास एक ईयर का फॉर्मूला है जो इसमें से ईयर को अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला है जो इसमें से मंथ को अलग करता है, और डे का फॉर्मूला है जो इसमें से डे को अलग करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टुडे का फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो टुडे के जगह पे डेट यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि डे का मंथ का ईयर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। लग गया, कैसे पता चला? नीचे एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया मतलब हमारा डेट फॉर्मूला चल रहा है। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, आपके देखिए यहाँ पे ईयर आ गया, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ईयर ईयर निकाल कर रखे है कहाँ पे, क्योंकि एक लोकेशन तो चाहिए ना, एक होल्ड होल्ड करने वाला लोकेशन तो चाहिए जहाँ पे फॉर्मूला सारा होल्ड होगा। यस सर, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई इक्वल टू ले लिया ईयर। अब वाई क्या है? Y एक वेरिएबल है, डेटा टाइप है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन कह सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग x इक्वल टू 100 करते हैं, और 100 को जो 100 होता है उस 100 को वापस यूज करना हो कहीं भी तो वहां हम x को यूज करते हैं, सेम सेम लाइक दैट। तो y यहाँ पे y इक्वल टू ईयर, राइट। फिर यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ पे करते हैं मंथ, और यहाँ पे करते हैं हम डे। ये मंथ अलग कर देगा, और अगेन d इक्वल टू डे, और यहाँ पे डेट देंगे तो डेट अलग कर देगा। ठीक है, तो y m d हमने तीन वेरिएबल बना लिए। अब बात करते हैं कि कोई फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एम के डी आई आर, एम के डी आई आर, और मुझे इसमें देना होगा एक्सटेंशन ई ड्राइव के अंदर 2022। अब यहां पे क्या होगा कि 2022 का फोल्डर क्रिएट हुआ, 2022 के अंदर क्या होगा, मुझे 6 का फोल्डर क्रिएट करना है तो 6 क्रिएट करेगा, इसके अंदर मुझे 22 का फोल्डर करना है तो 22 क्रिएट करेगा। मतलब जो पाथ आप देते हैं एमके डायरेक्टरी को, उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो सिर्फ उसी को क्रिएट करता है। समझ गए?
यस तो सर, आपको यहाँ पे 1 by 1 देना होगा कि मुझे यहाँ पे पहले 2022 देना होगा, मुझे फिर इसके अंदर फिर 2022 क्रिएट कर देगा, देन मुझे यहाँ पे 6 देना होगा, समझे, फिर यहाँ पे 2022 देना, इस तरह से 1 by 1 देना पड़ेगा। बट मैं तो यहाँ पे मैनुअल टाइप कर दिया, तो इसको हमें कॉन्केट करना होगा, ज्वाइन करना होगा वाई, तो वाई के ऊपर 2022 स्टोर है और ई स्लैश 2022 बनेगा तो क्या बन जाएगा, जो भी चाहिए वो बन जाएगा ना सर। और फिर वापस इसमें हम देंगे स्लैश, करेंगे एम, ठीक है, और यहां भी हम सेम करेंगे एंड वाई एंड सर इसमें कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर का तो उससे फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता है नहीं, ना? उससे फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है, सर। तो ये फोल्डर पहले वाई का फोल्डर बनाएगा, फिर वाई के अंदर एम का बनाएगा, फिर एम के अंदर डी का बनाएगा, तो फोल्डर 1 by 1 क्रिएट करेगा। अब मुझे यहाँ पे वर्कबुक ऐड करके सेव करनी है, तो हमने वर्कबुक ऐड करके सेव करने का कोड बताया था वर्कबुक्स डॉट ऐड, ऐड के साथ ही हम कर देंगे सेव एज। अब यहाँ पे पाथ देना है, तो मुझे तो इस पाथ में सेव करना है ना, लेकिन पाथ के साथ हमें फाइल नेम भी तो देना होता है, फाइल नेम भी मेरा डी है, लेकिन डी के साथ हमें एक्सटेंशन लगाना होगा, ये हमारा बन गया एक्सटेंशन। अब फाइल ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी, तो यहां हम कर देंगे एक्टिव, जो फाइल ओपन हुई है वही एक्टिवेट है, तो एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज यहाँ पे ठीक जो। अभी अभी आगे है, बाद मैसेज दे देता हूँ MSG बॉक्स और बोल देता हूँ ठीक फाइल, जो भी मैसेज देना है मैसेज यहाँ पे फाइल है क्रिएटेड वगैरह वगैरह। अब यहाँ सर। पे हम इसको रन करते हैं, मैक्रोस प्रो वन रन करते हैं, आ गया फाइल क्रिएटेड। अब सेकेंड टाइम में रन नहीं होता, क्यों रन नहीं होगा, ये बता रहा है आपको फाइल पाथ एक्सेस, फाइल पाथ एक्सेस एरर, फाइल पाथ ठीक एक्सेस एरर, क्यों है, डिबग करेंगे तो यहां पर आएगा, क्योंकि एक ही फोल्डर में एक ही फोल्डर या ड्राइव में एक नाम के दो फोल्डर या फाइल क्रिएट नहीं किए जा सकते। अब मुझे इसको ये समझाना है भाई कि भी 2022 का फोल्डर बना है तो उसको इग्नोर करो, सर। तो ऐसा बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल से हम देख पा रहे हैं कि एरर है, इसके अलावा कहीं और एरर नहीं आएगा, सिर्फ इसी 3 लाइन में एरर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दिया कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो जो फाइल जिसमें एरर होगा ना, जिस लाइन में एरर होगा उसको स्किप करके अगली लाइन को रन करेगा, जो 2022 का फोल्डर होगा तो एरर देगा, तो इस लाइन को स्किप कर देगा, उसको चलाएगा ही नहीं, इसको चलाएगा, इसमें एरर है तो इसको चलाएगा, समझ गए। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ ये भी अभी सही तरीके से रन नहीं होगा, अब ये रीजन क्या है बताता हूँ, समझ में आया, क्योंकि सर। जब ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको नो करते ही आपको एरर आ जाएगा, यस करते ही आपका वो फाइल रिप्लेस हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर, समझ गए, क्लियर यस है। सर, अब ये फाइल, अब इसमें अब आगे से समझाऊंगा कि अगर वो ऑलरेडी 22 का फाइल होगा तो 22/1 कर दे, /2 कर दे, मनाया, यस तो उसके लिए फिर हमें वो फंक्शन वगैरह लगाना होगा जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताइए,
नहीं सर, एक्चुअली दिक्कत नहीं आ रही थी, मैंने हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं कॉमा नहीं लगाया हो या फिर उसमें स्लैश नहीं लगाया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया उसको, में से कई बार तो हो गया था और कई बार नहीं हो पाया था, तो मैंने हो गया था सर, कोई इशू अभी अब ओके, कई क्लियर बार ये माइक्रो चलेगा आपको, वन बार ही चलेगा, सेकेंड टाइम तो आपको फाइल डुप्लीकेट एरर देगा, आपको पहले फाइल डिलीट है। करना होगा फिर चलाना होगा, यस सर, वो किया था मैंने। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके सर, नाउ नाउ क्लियर सर, नाउ क्लियर। समझे? यस चलिए सर, अब इसी में हम बात कर, आप देखिए हमारा वर्कबुक यहाँ पे क्लियर हो जाता है, राइट। अब दूसरा जो यस हमारा है सर। वो है हमारा शीट्स, शीट्स के बारे में बात करेंगे। जी तो शीट्स के बारे में मैं अभी पूरा बात नहीं करूंगा क्योंकि शीट्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटी कुछ बता देता हूँ। सीट्स को कॉल करने के सबसे पहले जान लीजिए, सीट्स जो है तो उसके दो नेम होते हैं, सीट 1, और ब्रैकेट में सीट 1 दिख रहा है ना सर आप, यस इसके सीट के हर सीट के दो नेम होते हैं, एक नेम कहलाता है प्रॉपर्टी, दूसरा नेम कहलाता है कैप्शन। जैसे मान लीजिए मैं बुक 8 पे गया और जाने के बाद सीट 1 का नाम मैं जैन कर देता हूं, तो अब यहां देखेंगे कि ब्रैकेट में ये जैन हो गया, हो गया। यस तो कैप्शन नेम जो होता है, जो ब्रैकेट में होता है, वो यूजर हैंडल करता है, यहां पे दिख सकता है, और जो ब्रैकेट से पहले होता है वो प्रॉपर्टी नेम, उसको प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है। इसको भी चेंज किया जा सकता है कि मैं यहां पे इसको मंथ कर देता हूं, ये चेंज हो गया, मंथ हो गया। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपको वीवी डेवलपर में आना, ठीक है। तो किसी भी सीट को कॉल करना सिखा रहे हैं आपको कि एक सीट से दूसरे सीट पे कैसे जाएंगे। वर्कबुक के लिए तो बताया था आपको, वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक। सीट के लिए दो तीन है, समझे। सबसे पहले आता है सीट का कैप्शन नेम, जैसे कि मंथ डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट कर दीजिए, एक्टिवेट कर देते, ठीक है। दूसरा है आपका शीट्स, यहां पे दे दीजिए जैन है जो भी नाम है आपका, डॉट एक्टिवेट। ठीक है। तीसरा है पोजीशन की, शीट्स 5 डॉट या 3 3 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। और सर, चौथा, इसमें अगर किसी वर्कबुक की किसी शीट में जाना है दूसरी, तो फिर यहाँ ऐड करेंगे तो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी फिलहाल हम एक्टिव वर्कबुक पे काम कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? एक्टिव एक्टिव। वर्क। हमने बोल दिया मन डॉट एक्टिवेट, मन डॉट एक्टिवेट के मतलब हो गया कि यहाँ ये जो इसका जो इस पे जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी नेम को हैंडल किया है। अब सीट का नेम चाहे जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल के डेट में सीट का नाम हम कर देते हैं जैन, जैन की जगह पे फैब, तो भी हमारा ए लाइन वर्क करेगा क्योंकि ये ठीक प्रॉपर्टी नेम में करता है, लेकिन हमारा ए लाइन वर्क नहीं करेगा, मुझे इस लाइन को चेंज करना होगा फैब, तब जाके वर्क करेगा, समझे। लेकिन अगर मैंने सीट को डिलीट कर दिया और एक नई सीट ऐड किया, उसका नाम कर दिया फैब, तो मेरा ऊपर वाला सीट वर्क नहीं करेगा क्योंकि सीट डिलीट होते ही उसका प्रॉपर्टी गायब, प्रॉपर्टी लेकिन नेम तो फिक्स है ना, का तो नेम वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा आता है पोजीशन कि जी। भाई सीट का पोजीशन पहले पे है, दूसरे पे और तीसरे पे। अब इसके जगह पे कोई भी सीट हो, एक काउंट करके तीसरे पे चला जाए, एक काउंट से लेके चलेगा। और एक्टिव सीट तो हमारा एक्टिव सीट। अब इसमें आपने जैसे बोला कि पर्टिकुलर सीट से मुझे बुक 8 का सीट 3 ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बुक, यहाँ पे वर्क बुक्स, और इसके अंदर आपको बुक 8 जो है आपका, book8.xls.x.activate, एक्टिवेट उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना होगा सीट्स सीट थ्री, या जो भी ऊपर चारों में से कोई कॉलिंग मेथड हो उसको यूज करना, डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट, दो लाइन लिखने पड़ेंगे, इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ठीक है सर।
समझ गए। तो इस सीट की ओके कॉलिंग, इस सीट की कॉलिंग मेथड है। तो जहां मैंने आर्टिकल का लिंक दिया था, उस आर्टिकल के लिंक पे जाके जो मैंने भेजा था ना हेल्प एंड सपोर्ट वाले, सीट्स के बारे में पढ़ लीजिए और कल हम सीट्स के ठीक ऊपर डिटेल में जाने, ठीक है? ठीक तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके सर ओके बाय। बाय।